नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आपको हमारा ये नया रंग और रूप कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको ये बदलाव अच्छा लगा होगा। ये बदलाव हमने इसलिए किया है क्योंकि प्रगति के लिए बदलाव जरूरी है। और एक मशहूर कोट है, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज देयर माइंड्स कैनॉट चेंज एनीथिंग। यानी सकारात्मक बदलाव किए बगैर प्रगति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। और जो लोग अपने दिमाग और अपनी सोच को नहीं बदल सकते, वो किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। इसलिए बदलाव जरूरी है। हमने 2013 में डीएनए का सफर आपके साथ शुरू किया था और आपके प्यार और भरोसे की बदौलत डीएनए ने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन हर कामयाबी अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर आती है और हमें इस बात का पूरा एहसास है। हमने डीएनए के रंग और रूप में आज से कुछ बदलाव किए हैं। हम चाहते हैं कि इन बदलावों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हम और आप एक परिवार की तरह हैं और परिवार में हर विषय पर चर्चा होती है और इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज हम आपके लिए भारत के दो बॉर्डर्स यानी दो सीमाओं का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर की हालत देखकर पड़ोसी देशों की नियत का पता कैसे चलता है। यह बॉर्डर के जरिए पड़ोसी देश की माइंड रीडिंग करने वाला फॉर्मूला है। हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच LOC एक लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादों की रेखा क्यों बन गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर लाइन ऑफ फ्रेंडशिप कैसे बन गया। भारत के इन दो पड़ोसियों के साथ लगी सीमाओं के बीच इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है? आमतौर पर बॉर्डर की बात एयर कंडीशनड स्टूडियोज में बैठकर की जाती है, लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यकीन करते हैं और इसीलिए आज मैं आपको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लेकर चलूंगा। और जो तस्वीरें आज आप देखेंगे, उन्हें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि भारत के दो पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के डीएनए में कितना बड़ा फर्क है। ये जी न्यूज की बॉर्डर डायरी है जिसमें हमारी टीम ने रिपोर्टिंग के दौरान अपने अनुभव आपके लिए लिखे हैं। इसके अलावा आज भारत के डिजाइनर पत्रकारों के लिए हमारे पास एक जरूरी सवाल है, क्या देश के डिजाइनर पत्रकार पाकिस्तान में जाकर पत्रकारिता करना पसंद करेंगे और क्या पाकिस्तान में वाकई किसी भी तरह की पत्रकारिता की जा सकती है? इन सवालों के पीछे एक चुभने वाली खबर है। पाकिस्तान में एक पत्रकार के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इस पत्रकार ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के बीच हो रहे टकराव पर रिपोर्टिंग की थी और इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना द्वारा जिहादी संगठनों को दी जा रही मदद का जिक्र भी किया गया था। हमने पाकिस्तान की सेना द्वारा पत्रकारिता के एनकाउंटर का एक विश्लेषण आज तैयार किया है। यह डीएनए टेस्ट देश के हर डिजाइनर पत्रकार को देखना चाहिए और हो सकता है कि इस विश्लेषण को देखने के बाद डिजाइनर पत्रकारों को सद्बुद्धि मिल जाए और उनकी पत्रकारिता का बिगड़ा हुआ डिजाइन शायद ठीक हो जाए। यह नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकार जनता की आंख, नाक और कान होते हैं, इसलिए पत्रकारों और पत्रकारिता से जुड़ी हुई किसी भी गंभीर खबर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर हम ये भी सोचते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी ऑफिस में रुका रहता है, वो बहुत मेहनती है, इसलिए। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। अगर आप दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और अपने ऑफिस में काम के तनाव के बीच बार बार ओवरटाइम करने के आदि हैं, तो आज आपको सावधान होकर हमारा स्वास्थ्यवर्धक डीएनए टेस्ट देखना चाहिए। यह विश्लेषण आपको बताएगा कि काम का बोझ और ओवरटाइम कैसे आपकी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सर्जिकल स्ट्राइक के श्रेय को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई छिड़ गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे ज्यादा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग दोस डाउटिंग थॉमसेस आल्सो इंक्लूडिंग कैन शेयर द क्रेडिट। वन फॉर मायसेल्फ आई विल ओनली शेयर द क्रेडिट एट द मोस्ट द मेजर शेयर गोस टू प्राइम मिनिस्टर। हालांकि मनोहर पर्रिकर ने अपने बयान पर बाद में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट देश के 127 करोड़ लोगों को दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान बताया। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री से देश की जनता और सेना से माफी मांगने को भी कहा। उन्होंने पीएम से भी माफी मांगने को कहा। उन्हें न केवल शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए परंतु बगैर शर्त उन सारे वीरों और बहादुरों से जिन्होंने भिन्न भिन्न सर्जिकल स्ट्राइक्स में अपनी जान गवाई, बगैर शर्त माफी मांगनी चाहिए।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की है। पर्रिकर ने पहले के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को गलत बताया है। पर्रिकर के मुताबिक पिछले कुछ साल के दौरान जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है वो बॉर्डर एक्शन टीम की कार्रवाई है जो आम तौर पर चलती रहती है। आई एम डिफेंस मिनिस्टर फॉर 2 years एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई हैव लर्नड देयर इज नो सर्जिकल स्ट्राइक एनी टाइम अर्लियर। ओके what probably they are quoting are what is called as action taken by border action team। मनोहर पर्रिकर के इस दावे को कांग्रेस ने सैनिकों की बहादुरी का अपमान बताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर विवादित बयान दिया। ऐसे रक्षा मंत्री के बारे में हम केवल ये कह सकते हैं कि वो अगर देश के सैनिकों की रक्षा पर इस प्रकार से अमानवीय और क्रूर प्रकार से प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पंपोर में 56 घंटे बाद आतंकियों से एनकाउंटर खत्म हुआ। एनकाउंटर के दौरान हमला करने वाले दोनों आतंकी मारे गए। ऑपरेशन खत्म होने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के 60 कमरों में तलाशी अभियान चलाया गया। मारे गए दोनों आतंकियों के शव भी बरामद हो गए हैं। एक आतंकी कल मारा गया था जबकि दूसरे को आज सुबह मार गिराया गया। दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा के बताए गए हैं। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में पैरा कमांडोज भी शामिल थे। दोनों तरफ की फायरिंग में ईडीआई की बिल्डिंग अब एक ढांचा बनकर रह गई है। ऑपरेशन खत्म हो चुका है, 2 टेररिस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 उनके साथ में राइफल मिली है अभी तक, बाकी सामान की अभी शिनाख्त की जा रही है। सोमवार सुबह 6 बजे के करीब आतंकी ईडीआई इमारत में दाखिल हो गए थे। फरवरी में भी ईडीआई पर आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 5 सैनिक शहीद हुए थे। उस हमले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। लखनऊ में दशहरे के मौके पर दिए गए पीएम के भाषण को लेकर विपक्ष ने राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने वोट के लिए अपने भाषण में जय श्री राम का नारा लगाया। आपकी आस्था है कि नहीं है मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जय श्री राम के नाम पर आप उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ, अभी एक मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं है तो अब इसको हवा देने के लिए यहाँ पर वो आए। बीजेपी ने विपक्ष को जवाब दिया कि वो हताशा में सस्ती राजनीति कर रहा है। ये मैं समझता हूँ, ये जो इन लोगों का मानसिक ओछापन है, कहीं भी वो पॉजिटिव रास्ता नहीं ले रहे हैं, निगेटिव हमेशा से रास्ता लेते रहे हैं। लखनऊ के ऐशबाग रामलीला में कल पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत और आखिर में जय श्री राम का जय घोष किया था। आतंकवाद को लेकर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान भारत का जवाब देने के लिए नई रणनीति बना रहा है। चीन, ईरान और सेंट्रल एशिया के कुछ देशों को साथ लेकर पाकिस्तान एक नया समूह बनाना चाहता है। पाकिस्तान के एक संसदीय दल ने वाशिंगटन दौरे में इसका खुलासा किया। दरअसल पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन के टाले जाने से नाराज है। सार्क में भारत के दबदबे की काट के तौर पर वो चीन के साथ मिलकर नया क्षेत्रीय संगठन बनाकर भारत को जवाब देना चाहता है। उरी हमले के बाद भारत ने सार्क सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत के फैसले के बाद बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान ने भी सार्क सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया था। केरल के कन्नूर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। 25 साल के प्रेनित की हत्या पिनराई में एक पेट्रोल पंप के पास हुई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के शहर में हुई इस वारदात के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही है। यह अपने आप में न केवल चिंता का विषय है, इस पर जांच भी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो लोग इसके पीछे हैं उनको कानून के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन सीपीएम का आरोप है कि आरएसएस हत्या की राजनीति कर रहा है। ये आरएसएस का जो योजना है, ये योजना जब तक कम्युनिस्ट को खून करने का योजना बंद नहीं करेगा वहाँ ये परिस्थिति चलता रहेगा। 2 दिन पहले कन्नूर में सीपीएम के कार्यकर्ता मोहनन की हत्या हुई थी। हरियाणा के अग्रोहा धाम में होने वाले अग्रोहा विकास ट्रस्ट के वार्षिक मेले में इस बार वैश्य समाज की अलग अलग जातियों को एक मंच पर लाया जाएगा। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इस मेले में वैश्य समाज की 300 से ज्यादा उपजातियां शामिल होंगी। सभी उपजातियों को वैश्य उपनाम दिया जाएगा। मेले में संसद के दोनों सदनों के 33 सदस्यों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 110 विधायकों को बुलाया गया है। सांसद और विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मेले के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा इसकी अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक इस कार्यक्रम से देश में जातिवाद कम होगा। आज जो देश में हजारों सामाजिक संस्थाएं या पॉलिटिकल पार्टियां बन गई हैं केवल जातीयता के आधार पर, तो वो शायद कम होंगी, उससे कुछ न कुछ रिलीफ देश को समाज को मिलेगा। आज डीएनए में खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। वर्ष 1991 में जर्मनी और पोलैंड ने अच्छे पड़ोसी बनने के लिए एक संधि की थी, जिसे ट्रीटी ऑफ गुड नेबरशिप एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। और आज भी दोनों देशों की सरकारें हर मुद्दे पर सहमत नहीं होती, लेकिन फिर भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में बिना किसी समस्या के रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विश्लेषण की शुरुआत हमने जर्मनी और पोलैंड के अच्छे रिश्तों वाली सोच से क्यों की है। इसके पीछे का सार ये है कि जब भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। इसलिए अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाए रखना काफी फायदे का सौदा साबित होता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा इस सोच को लेकर आगे बढ़ा है, हालांकि पाकिस्तान के मामले में ये बात नहीं कही जा सकती। पाकिस्तान ने हमेशा बॉर्डर का इस्तेमाल आतंक को एक्सपोर्ट करने के लिए किया है। पिछले कुछ समय में आपने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखी होंगी। हमने भी आपको घुसपैठ, आतंकवादी हमले और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बॉर्डर पर भारत की रक्षा करने वाली दीवार तक हर तरह की रिपोर्ट्स दिखाई हैं। लेकिन आज हम आपके लिए भारत के दो बॉर्डर्स यानी दो सीमाओं का डीएनए टेस्ट करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर की हालत देखकर पड़ोसी देशों की नीयत का पता कैसे चलता है। ये बॉर्डर के जरिए पड़ोसी देश की माइंड रीडिंग करने वाला फॉर्मूला है। आमतौर पर बॉर्डर की बात एयर कंडीशनड स्टूडियोज में बैठकर की जाती है, लेकिन जी न्यूज हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग पर यकीन करता है। इसलिए आज मैं आपको भारत और बांग्लादेश की सीमा पर लेकर चलूंगा, और जो तस्वीरें आज आप देखेंगे उन्हें देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि भारत के दो पड़ोसियों यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के डीएनए में कितना बड़ा फर्क है। बॉर्डर के जरिए खोटी नियत का पता लगाने वाले इस फॉर्मूले को अब आप समझिए। पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें से 2,900 किलोमीटर की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि 740 किलोमीटर की सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के तहत आती है। ये वही इलाके हैं जहां से आए दिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। जबकि दूसरी तरफ पूर्व दिशा में भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर की सीमा है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा और कहीं बड़ी। भारत और बांग्लादेश के बीच की सरहद समंदर, नदियों और दलदलों के बीच से होकर गुजरती है, लेकिन यहां से भारत की सीमा में आतंकवादियों का घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान की सेना की तरह घुसपैठ करवाने की बीमारी नहीं है। बांग्लादेश की सेना आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवानों के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करती है, यानी बांग्लादेश की नियत की वजह से भारत और बांग्लादेश बॉर्डर लाइन ऑफ फ्रेंडशिप बन जाता है, जबकि पाकिस्तान की बुरी नियत की वजह से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। हमने आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा से भी रिपोर्टिंग दिखाई है, जहां हमारी टीम ने यह बात महसूस की कि अगर पड़ोसी की नियत अच्छी हो तो LOC को लाइन ऑफ फ्रेंडशिप भी बनाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की बात ना करके आज हम आपको उस लाइन ऑफ फ्रेंडशिप के सफर पर लेकर चलेंगे, जहां भारत और बांग्लादेश ने सरहदों को आपसी सहयोग और भाईचारे का जीता जागता उदाहरण बना दिया है। ये वो बॉर्डर है जहां से भारत में आतंकवादियों की सप्लाई नहीं होती, बल्कि आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाते हैं। ये रिपोर्टिंग आज आपकी आंखें खोल देगी।
भारत के दो पड़ोसी, एक की नियत में दुश्मनी, दूसरे की नियत में दोस्ती। भारत और पाकिस्तान की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है एक ऐसी सीमा जहां की सरहद समंदर, नदियों और दलदलों के बीच से गुजरती है। लेकिन आतंकवादियों की मजाल नहीं है कि इस सीमा से भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर भी देख लें, क्योंकि बांग्लादेश की नीयत दोस्तों वाली है और सरहद के उस पार तैनात बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी PGB घुसपैठियों को मार भगाने के लिए खड़े हैं, न कि भारत में घुसपैठियों की सप्लाई करने के लिए। जी मीडिया के साथ आपने देश की अलग अलग सरहदों को देखा, आपने कच्छ के रण को देखा, आपने सर्दियों में -50 डिग्री तापमान वाली दौलत बेग ओल्डी और चुशूल जैसी सरहदों को देखा। लेकिन आज जिस सरहद को हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरहद पानी पर बनी हुई है और यहाँ सरहद की निगरानी करने वालों को उसी पानी के ऊपर से अपनी ड्यूटी देनी होती है। लेकिन यहाँ उनके सामने सबसे बड़ी समस्या भी पीने वाले पानी की होती है, क्योंकि चारों तरफ जो पानी है वो खारा है, समंदर है। भारत और बांग्लादेश के बीच की इस सरहद की निगरानी करने वालों का सामना होता है खतरनाक कीड़े मकोड़ों से, जहरीले सांपों से, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से और आदमखोर बाघों से। ये सुंदरबन है। पूरब में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुश्किल है। बावजूद इसके बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के साथ खड़ा है, जबकि पाकिस्तान घुसपैठ वाली बीमारी से पीड़ित है। इसलिए आज आपको पूर्व और पश्चिम का अंतर समझना जरूरी है। इसके लिए हम आपको पूर्व की सरहद के दोनों तरफ लेकर चलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि अगर नियत साफ हो तो किसी आतंकवादी के लिए घुसपैठ करना नामुमकिन है। इस रिपोर्ट से आपको पाकिस्तान के झूठ और बहानेबाजी को समझने में भी आसानी होगी। सुंदरबन लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ वो इलाका है जिसका 4,110 किलोमीटर हिस्सा भारत में है और बाकी बांग्लादेश में। यहाँ भारत और बांग्लादेश में बहने वाली कई नदियां, नहरें और क्रीक्स जिनकी चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक है। सुंदरबन समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ चौकसी रखना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा जरूरी भी है। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF सरहद की निगरानी के लिए कुछ ऐसा करती है जो अपने आप में अनोखा है। हम लगभग इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर इस तरफ तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। वो जो आगे पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, काले से जो नज़र आ रहे हैं, वो बांग्लादेश है। ये जो ये हरे वाले पेड़ों का मैनग्रोव दिख रहा है, ये भारत है। हम इस वक्त रायमंगल नदी पर यात्रा कर रहे थे, अब सामने वो इच्छामती नदी है और इच्छामती नदी और रायमंगल नदी यहाँ पर मिलते हैं, इसको टी जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर BSF सरहद की निगरानी के लिए एक बिल्कुल नायाब तरीके का इस्तेमाल करती है। आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग आउटपोस्ट देखे होंगे, बॉर्डर आउटपोस्ट BOP जिनको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर आउटपोस्ट नदी के ऊपर होता है, एक बड़ी सी नाव के ऊपर होता है, वहीं हेडक्वार्टर होता है और छोटी छोटी नावों के ज़रिए इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग की जाती है। फ्लोटिंग BOP कहते हैं इसे। आइए आपको फ्लोटिंग BOP दिखाते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट यानी तैरती हुई चौकी एक छोटा सा जहाज होती है जिसे कहीं भी लंगर डालकर खड़ा किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कहीं और भी ले जाया जा सकता है। इसमें सुरक्षा कर्मियों के लंबे समय तक रहने की व्यवस्था होती है और वो इसमें रखी स्पीड बोट्स के जरिए इलाके पर नजर रखते हैं और गश्त लगाते हैं।
तकरीबन एक बार अगर ये जाती है, इसकी पानी की कैपेसिटी तकरीबन 60,000 की है और फ्यूल और पेट्रोल तकरीबन एक महीने के लिए काम चल जाता है। इनका जो मैन पावर का स्ट्रेंथ का है 38 का ऑथराइजेशन है, जिसमें तकरीबन 18 टेक्निकल स्टाफ है जो कि ये शिप की मेंटेनेंस और क्रू स्टाफ है, और 20 आदमी इसमें जनरल ड्यूटी जो ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं। यहाँ सुंदरवन में तो बाघ बहुत होते हैं, कहते हैं नाव के ऊपर से खींच ले जाते हैं, आप लोगों को बाघ परेशान नहीं करते? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हम तैनात है, इस इलाके में बहुत कम जो वाइल्ड लाइफ है, लेकिन जो कोर एरिया है, जो अंदर जो क्रीक्स, छोटे छोटे क्रीक्स हैं जहाँ पर हमारे स्पीड बोट्स जाती है, जहाँ पर हम फॉरेस्ट के साथ जॉइंट पेट्रोल्स करते हैं, वहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। सुंदरबन के घने जंगल दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों को आसपास की खूबसूरती देखने का मौका कम ही मिलता है, क्योंकि उन्हें हर वक्त आतंकी खतरे से निपटने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर उत्तम कुमार विश्वास हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी इस कार्गो वेसल को चेक किया है। सब इंस्पेक्टर विश्वास साहब, क्या चेक करते हैं अमूमन आप? ये इनका जो है स्टोर रूम है, इसका अंदर कोई प्रकार का स्टोर का सामान रखा हुआ है, तो उनमें हम उठा उठा के देख लेते हैं जैसे कोई अवैध सामान तो नहीं है, कहीं हथियार जैसे कोई हीरोइन वगैरह इस टाइप का कोई, या कोई गैरकानून आदमी इधर छुपा रखा है, ऐसा चीज़ को हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मिला? इसमें हमने चेक किया, लेकिन इस दौरान कुछ मिला नहीं इस कार्गो में। अच्छा, इसमें कुछ नहीं मिला, सारी चीज़ें जो इन्होंने डिक्लेयर किया था वही थी? हाँ, जो उन्होंने अपना लिस्ट का मुताबिक दिखाया है उसी का मुताबिक सामान इसमें है, कोई संदिग्ध आदमी नहीं, आदमी भी नहीं है इसमें। इस कार्गो शिप में कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसी घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती हैं कि कार्गो शिप्स में कॉन्ट्राबैंड्स, नशीली चीज़ें, नशीली दवाइयाँ, यहाँ तक कि सोना, दूसरी कीमती चीज़ें जिनकी कीमत यहाँ या वहाँ ज़्यादा होती है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि आतंकवादी हमेशा नए नए रूट तलाशते रहते हैं आतंकवादियों को अंदर लाने की, इन्फिल्ट्रेट कराने की, और ऐसी सामान और गोला बारूद भारत में भेजने की जिसका आगे जाकर वो किसी भी कार्रवाई में इस्तेमाल कर पाएँ। गिरीश जी, हर वक्त पूरे देश में जगह जगह आतंकवादी हमले होते हैं, ये वो रूट हैं जिनका इस्तेमाल कभी भी आतंकवादी कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आप सबसे आगे खड़े हुए हैं, आपके आगे बांग्लादेश है, उस वक्त आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि आप ही पहला दरवाज़ा है? जी, आज के सिनेरियो में ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, और समय समय पे जो गुप्तचर एजेंसियां हमें इन्फॉर्मेशन देती है इसके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए हम जो सिस्टर एजेंसी है IB, इमिग्रेशन, कस्टम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कोस्टल जो पुलिस है उससे हम सहयोग लेते हैं, और सामूहिक तौर पर हम यहाँ पे गश्त करते हैं और सामूहिक तौर पे ही इनको चेक करते हैं, ताकि सभी की नज़र से सभी चीज़ें जांच करके निकलें, कोई अनऑथराइज या अवैधानिक चीज़ें यहाँ से क्रॉस ना हो। ख़राब मौसम, यहाँ पर मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उस दौरान कैसे काम हो पाता है? बस उस दौरान भी जो मौसम के हालात को देखते हुए हम काम करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है, और हम परिस्थितियों को देख करके ही अपने टास्क को अंजाम देते हैं। इस शिप में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी मच। आपको थोड़ा सा तकलीफ हुआ, ठीक है, उसके लिए हमें खेद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हर बार ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है, नजर समुद्र से लेकर छोटी से छोटी क्रीक्स पर भी रखनी जरूरी है। ये क्रीक्स सुंदरबन में काफी अंदर तक जाती हैं, और इनका जाल उस दलदली इलाके में भी फैला हुआ है जहाँ बाघों की बड़ी तादाद रहती है। आपको बता दें कि क्रीक्स समुद्र से जमीन की तरफ आने वाली एक तरह की प्राकृतिक नहरें होती हैं। बहरहाल, हमारे साथ BSF के डिप्टी कमांडेंट नवीन हैं। नवीन, यहाँ पर नज़र क्या रखते हैं आप लोग इन खालों में जा जाकर? इन खालों में जाके हम ये नज़र रखते हैं कि कहीं से कोई छोटी बोट से या किसी उसके द्वारा इलीगल स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग की घटनाएं तो नहीं हो रही हैं, तो इन सभी उस पर पेट्रोलिंग करके बोट्स के द्वारा, जो हमारे पास स्पीड बोट्स है और कंट्री मेड बोट्स हैं, उनके द्वारा हम रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं। इस इलाके में जंगली जानवर ज़मीन पर भी और पानी में भी बहुत ज़्यादा हैं, किन किन जानवरों से सामना पड़ता है आपका?
जैसे कि आपको पता है सुंदरबन अपनी जंगली जानवरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो मेनली तो यहाँ पर बाघ है और पानी में क्रोकोडाइल, बिच्छू, सांप, इनका हमेशा बना रहता है। यानी जिस जगह पर हम चल रहे हैं वो जगह भी क्रोकोडाइल से भरी हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी संख्या में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। और ज़रा सा आगे जाएं तो जंगल में बाघ है? हाँ, बाघ का भी यहाँ पर रेगुलर खतरा बना रहता है, इसलिए इसमें गाँव की प्रोटेक्शन के जाल भी लगाए गए हैं जगह जगह, इससे वो गाँव के अंदर ना जा पाए। बांग्लादेश में ISI का ज़बरदस्त नेटवर्क है और वो जिहादी गुंडों को बड़े पैमाने पर ट्रेन कर रही है। यानी बांग्लादेश से भारत में इस्लामिक आतंकवाद की घुसपैठ का बहुत बड़ा खतरा है, खास तौर पर तब जबकि सरहद का बड़ा हिस्सा खुला हुआ हो। मेन अंतर यही है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो थिकली पॉपुलेटेड है ये एरिया, जैसे कि पंजाब में फेंसिंग के आगे कोई किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और कोई घर नहीं है, कोई सिविलियन वहाँ रहते नहीं है, यहाँ पर फेंसिंग के आगे भी लोग रह रहे हैं, तो उसकी वजह से चैलेंज यहाँ पर कुछ बढ़ जाता है। सामने चुनौतियों का समंदर है, लेकिन अब तक ये इलाका आतंकवादियों की गतिविधियों से महफूज है। क्या इसकी वजह केवल भारतीय इलाके में BSF की चौकसी है या पड़ोसी की नेक नीयत भी इसमें मददगार है? इस बात का जवाब आपको सरहद के दूसरी तरफ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल बॉर्डर चेक पॉइंट से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद से ही पता लगने लगता है कि अगर सहयोग और मित्रता हो तो आतंकवाद से मुकाबला करना मुमकिन है। यहाँ सरहद ने घरों, गांवों, खेतों, नदियों सबको बांटा है, लेकिन इस बंटवारे के बाद भी सुरक्षा को लेकर चिंता दोनों तरफ साझी है। इसका नतीजा उस वक्त नजर आता है जब दोनों देशों के बीच आधी आधी बटी नदी की हिफाजत BSF और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी BGB साथ साथ करते हैं। भारत के दोस्त बांग्लादेश की दोस्ती वाली पेट्रोलिंग की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस सीरीज की अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जब पड़ोसी का दिल साफ सुथरा हो और उसके मन में कोई चोर न छिपा हो तो सीमा की रखवाली कैसे की जाती है। इच्छामती नदी में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और BSF साथ में पेट्रोलिंग कर रही है। इस सीमा पर, इंटरनेशनल बॉर्डर इस नदी के ठीक बीच से गुजरता है, इस सीमा पर कोई फेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ गश्त हालांकि होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह की कोई घटनाएं नहीं है। अगर नीयत साफ हो, पड़ोसी अच्छे दिल का हो तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। हालांकि फिर भी यहाँ चौकसी लगातार रखी जाती है। अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक महीने में अमूमन 115 बार ऐसी जॉइंट पेट्रोलिंग होती है, 65 बार दिन में और बाकी टाइम रात में, ताकि कहीं कोई गलती ना हो और यहाँ से किसी किस्म की आपराधिक गतिविधि या कोई आतंकवादी भारत में दाखिल होकर कोई बड़ा कांड ना कर सके। कैमरामैन तेज सिंह के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, इच्छामती नदी, भारत बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पर आपको भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी जरूरी जानकारियां भी होनी चाहिए। जो बातें अब मैं आपको बताऊंगा उन्हें जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत के प्रति बांग्लादेश और पाकिस्तान की नीयत में जमीन आसमान का अंतर क्यों और कैसे है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी का नहीं है, दोनों देशों के बीच संस्कृति का एक पुल बना हुआ है। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर को धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ये दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता कि दो देशों के राष्ट्रगान किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखे गए हों। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ढाका में रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों पर पाबंदी लगा दी थी और इस प्रतिबंध ने बांग्लादेश में हुए आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया था। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक सीमा की वजह से एक छोटा देश हो सकता है, लेकिन उसकी सामरिक स्थिति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें 1947 के समय में जाना पड़ेगा, जब बंटवारा हो चुका था और मोहम्मद अली जिन्ना पूरे पाकिस्तान में दौरा करके ये बता रहे थे कि राष्ट्रभाषा उर्दू होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू होनी चाहिए। जबकि ऐसे दावे भी किए जाते थे कि खुद जिन्ना को उर्दू नहीं आती थी और वो खुद भी अंग्रेजी में ही भाषण दिया करते थे।
जब वो पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के शहर ढाका में पहुंचे तो वहां उनकी इस दलील की काफी आलोचना हुई। उस वक्त बांग्लादेश के लोगों ने कहा था कि उनकी भाषा बांग्ला है और बांग्ला ही रहेगी। पाकिस्तान से अलग होने के बाद उसी समय ये दिखने लगा था, क्योंकि तभी से पूर्वी पाकिस्तान में भाषा का आंदोलन शुरू हो गया था। वर्ष 1971 आते आते यही आंदोलन मुक्ति संग्राम बन गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों को कुचलने के लिए हर हथियार हर ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के इस दमन में लाखों बांग्लादेशी मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत आ गए। इसके बाद भी बांग्लादेश के लोगों की आवाज दबी नहीं, उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन किया और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। पाकिस्तान ने इसका बदला लेने के लिए भारत पर हमला कर दिया। 2 हफ्ते तक चले इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी यानी विद्रोहियों और मित्र वाहिनी यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से हराया। युद्ध के अंत में 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही हमने डीएनए में आपको दिखाई थी। और इसी के साथ बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। इस लिहाज से दुनिया में बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, क्योंकि वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसकी पहचान से जुड़े 2 मसले थे, पहला धर्म और दूसरा भाषा। यह मुस्लिम बाहुल देश तो है मगर इस्लामिक देश नहीं है। बांग्लादेश की भाषा बांग्ला है, उर्दू नहीं, और यहां एथनिक आइडेंटिटी को महत्व दिया गया। बांग्ला में इसे जातीय सत्ता कहते हैं, यानी धर्म से आगे भाषा रही और बांग्ला संस्कृति की आखिरकार जीत हुई। बांग्लादेश के गठन के बाद भारत पहला ऐसा देश था जिसने उसे एक आजाद देश की मान्यता दी थी और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व दिशा में मौजूद देशों के साथ मित्रता की नीति के लिए भी बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से आज एक पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रहा है। यानी बांग्लादेश का डीएनए एक दोस्त वाला डीएनए है, जबकि पाकिस्तान के डीएनए में आतंक और बारूद की मात्रा खतरे के निशान से ऊपर है।